22 अगस्त 2024 को हूती ने लाल सागर में ग्रीक झंडे वाले सो यूनियन क्रूड ऑयल टैंकर पर एक बड़ा हमला किया था। इसके बाद हूती ने अगले दिन भी इस जहाज को निशाना बनाया था और इस हमले के फौरन बाद जहाज में बड़ी भयंकर आग लग गई थी, जिससे पूरी दुनिया को ये डर सता रहा था कि अगर जहाज में मौजूद 10 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल समुद्र में रिसा तो इससे पर्यावरण में भयंकर तबाही आ सकती है। और इससे करीब एक हफ्ते बाद ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी कि जहाज से तेल रिसाव हो रहा है। लेकिन अब हूती ने इस जहाज को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है। दरअसल हूती के लड़ाके सो यूनियन जहाज पर पहुंचे, जहां उन्होंने जहाज के कई हिस्सों में विस्फोटक रखकर धमाके भी किए हैं। हूती ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो जहाज पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद हूती के लड़ाके वहां पर बम धमाके करने लगते हैं। और इसी दौरान ये लड़ाके अमेरिका की मौत और इजराइल की मौत जैसे नारे भी लगा रहे हैं। इन लड़ाकों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें भी नजर आ रही हैं, हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में हूती के लड़ाके जहाज के डेक पर धमाके करते हैं, जिससे ऑयल टैंकरों में धमाके होने लगते हैं। हूती के वीडियो में एक साथ करीब 6 धमाके होते हुए दिख रहे हैं और इसको लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने भी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हूती के लड़ाके जहाज पर चढ़ गए और उन्होंने वहां विस्फोटक लगा दिए। अल हूती का कहना है कि ये वीडियो दिखाता है कि अमेरिका हूती की निवारक ताकत को लेकर झूठे दावे कर रहा है। वहीं हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूती के लड़ाके जहाज पर चढ़ गए थे और उन्होंने वहां पर कई धमाके किए। याया सारी का कहना है कि जहाज एक ऐसी कंपनी का था जिसने हूती द्वारा लाल सागर में इजराइल को जाने वाले रास्ते पर लगाए गए बैन का उल्लंघन किया था। बड़ी बात यह है कि पहले तो हूती इजराइल या इजराइल को जाने वाले जहाजों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने अमेरिका ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि जहाज से तेल रिसाव को लेकर यूरोपीय यूनियन के मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि जहाज से अभी तक कोई तेल रिसाव नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन इस जहाज को बचाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों से बातचीत कर रहा है जिससे समुद्र में तेल त्रासदी को रोका जा सके। आपको बता दें कि हूती ने इस जहाज पर एक मिसाइल या रॉकेट और एक समुद्री ड्रोन से हमला किया था और जब जहाज पर हमला हुआ तो इलाके में यूरोपियन यूनियन के एस्पाइड जहाज ने सो यूनियन के करीब 25 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया था, जिसमें 25 फिलिपिनो और रूसी सदस्य थे। इन क्रू मेंबर्स को पास के जबूती बंदरगाह ले जाया गया था।